हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये है 5 फरवरी का व्लॉग। बसंत पंचमी के दिन हमारे परिवार में नर्मदा जी पर चुन्नी चढ़ाई गई थी, तो वहाँ का वीडियो मैंने कैप्चर किया है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो नर्मदा जी की चुन्नी की पूजा घर पर हो गई है ताई जी के यहाँ पर। अब हम लोग जा रहे हैं शोभा यात्रा, यानी कि यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर पूजन वगैरह होगी, उसके बाद फिर नर्मदा जी में चुन्नी चढ़ाने जाएंगे। तो आप लोग भी इंजॉय करते चलिए हम लोग के साथ, बैंड बाजी के साथ हम लोग जा रहे हैं शोभा यात्रा में। पूरे परिवार के लोग हैं हमारे और सब रेड येलो कलर का पहने हुए थे, तो और भी अच्छा लग रहा था। सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मंदिर में जाएंगे, तो मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पर पूजा वगैरह हुई होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाइट शर्ट में ये हैं, ये रखे हुए हैं नर्मदा जी में जो चिन्नी चढ़ाएंगे ना, वो इस तरीके से ले जा रहे हैं। ये बड़े भैया हैं, मतलब परिवार के एक भैया हैं वो हैं, और ये दोनों मतलब सब लोग बारी बारी से ले रहे थे, ऐसे सिर पर रख के ले जा रहे थे। मैंने भी रखा था बट वीडियो शूट नहीं हुआ है। तो गाइस, यहाँ पर घाट में चुन्नी चढ़ाना है, बस वो आ ही गया है। अब आप लोग को वहाँ पर पहुँचने के बाद का व्यू दिखाती हूँ मैं। सो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर ये नर्मदा जी की जो चुन्नी है उनकी पूजन होगी पहले, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी आप लोग देखना, अभी जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, मतलब भीड़ काफ़ी हो गई थी, भंडारा भी होना है। तो ये देखिए, यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह होगी। अब सो गाइज़, ये देखिए, यहाँ पर पूजा की सारी तैयारियाँ हो गई हैं। अब पूजा होगी और अब हम लोग भी यहाँ पर आ गए थे, मतलब हम लोग आ ही चुके थे पहले ही। बस ये देखिए, ये येलो साड़ी में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं और भाभी हैं साथ में, पापा जी खड़े हुए हैं देखिए, और भी लेडीज़ें सब बैठी हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था माहौल यहाँ का। क्यों?
सो गाइज, यहाँ पर सब लोग मिलकर कर रहे हैं पूजा, और ये जैसे कि चुन्नी चढ़ाना, जैसे कुछ मांगते हैं ना वो पूरा होता है तो चुन्नी चढ़ाते हैं, जैसे बोल देते हैं मन में कि जैसे बदना बिचारी बोलते हैं ना, बद दो कि हमारा काम ये पूरा हो जाएगा, तो मैं चुन्नी चढ़ाऊँगी या हम चुन्नी चढ़ाएँगे। तो खैर, ये वाला जो बसंत पंचमी के दिन हुआ था, बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हुआ था, और ये चुन्नी वाला कार्यक्रम एक बार मेरी बुआ के यहाँ भी हुआ था, जैसे कुछ मांगो तो वो पूरा हो जाता है, तो चुन्नी चढ़ाई गई थी। तो बस यहाँ पर पूजा होने के बाद सब लोग ने की आरती। ठीक है, देख रहा, सब देख रहा, बात तो ही रहने दो। तो गाइज़, यहाँ पर ये नाव में बैठे हुए हैं क्योंकि नर्मदा जी को चुन्नी चढ़ाई जाएगी, तो नाव के थ्रू अपन उस पार ले जाएंगे। तो इस तरीके से साड़ियों मतलब खूब सारी साड़ियों को जोड़कर चुन्नी चढ़ाई जाएगी नर्मदा जी के ऊपर से। तो यहाँ पर ये नाव में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वीडियो कैप्चर किए हुए हैं। ये देखिए आरती हो रही है, कितना अच्छा व्यू लग रहा है इधर से। तो देखिए, अब यहाँ पर चुन्नी चढ़ाई जा रही है, तो इस तरीके से ये बंडल में जैसे साड़ी जोड़कर मतलब बंडल बनाया गया है, तो इस तरीके से ऊपर ले जा रहे हैं, उसे ऊपर से ले जाएंगे और इस तरीके से इसे खींचे जाएंगे, और नाव पर जो लोग बैठे हुए हैं वो नर्मदा जी के लिए ऐसे चुन्नी ले जाएंगे, तो इस पार से उस पार ले जाएंगे नर्मदा जी को चढ़ाने के लिए। तो देखिए, ये ऊपर इस तरीके से ले जा रहे हैं, साड़ियाँ जैसे जैसे निकलती जाएगी, जैसे जैसे खींचते जाएंगे वैसे वैसे साड़ियाँ निकलती जाएंगी, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये देखिए, ये बैठे हुए हैं नाव में, तो
तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से नर्मदा जी को चुन्नी चढ़ाई जाती है। यहाँ पर नाव वाले खड़े हुए हैं बीच बीच पर सहारा देने के लिए, क्योंकि मतलब वहाँ तक ले जाना है पूरी चुन्नी को, और हवा भी काफ़ी थी ना, तो वो यहाँ से वहाँ ऐसा हो रहा था। तो ये फाइनली चुन्नी चढ़ गई है नर्मदा जी को। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और सब लेडीज़ें इस तरीके से साड़ी खींच खींच के देती जा रही थी वहाँ पर। ये देखिए तो देखिए चुन्नी तो चढ़ गई, और इस तरीके से फिर सब लोगों ने छोड़ दी थी साड़ी को, तो नर्मदा जी पर चढ़ गई है अब चुन्नी। तो अब क्या करेंगे, ये वापस से साड़ियों को ऐसे सब खींच रहे हैं, और ये साड़ियों को जैसे नाव वाले हैं ना, तो इन लोगों को एक एक साड़ी दे दी जाएगी, और घर पर जिनके यहाँ पर हुई थी पूजा वो ले जाएंगे बाकी, और सबके बाकी की जो साड़ियाँ बची थी वो सब परिवार में एक एक साड़ी सबके घर में दे दी जाती है शायद, मुझे अच्छे से पता नहीं है। इसके बाद फिर ये पूजन हो गए, इसके बाद फिर भंडारा हुआ, तो बस अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पर सब कुछ बन गया था। ये पूजा की देर थी, पूजा हो गई, अब भंडारा भी स्टार्ट होगा। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।